प्रदेश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हंस शाह है, मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि 26 जनवरी को 26 जनवरी को स्पीच कैसे देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्पीच की ओपनिंग पार्ट के अंदर एक गाना गा के इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ओपनिंग के अंदर आप एक देशभक्ति का गाना गाइए। अब ये देशभक्ति के गाना गाने के दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि जब लोग गाना सुनते हैं तब लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि स्पीच देने के लिए कोई व्यक्ति आती है तो वो शब्दों के द्वारा सारी चीजों को बताती है, मतलब कि वो कंटेंट उनका जो होता है वो उनके सामने प्रेजेंट करती है। लेकिन जब गाना आता है, कोई गीत का मुखड़ा आता है, तब ऑडियंस जो होती है उनका अटेंशन डायरेक्टली उस स्पीकर के ऊपर चला जाता है, इसलिए गाना जो होता है वो ऑडियंस को अच्छा लगता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि लोग जो होते हैं वो देशभक्ति के गानों को सुनकर जोश में आ जाते हैं, उनके लिए देशभक्ति जग जाती है, इसलिए आप देशभक्ति के गाने के साथ अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं कि जिनका मुखड़ा आप गा सकते हैं, जैसे कि मैंने गाया मेरा मुल्क मेरा देश, उसी तरह से ए मेरे प्यारे वतन, ये सॉन्ग आप गा सकते हैं, हे प्रीत जहां की रीत सदा, ये गाना भी गा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे गाने हैं कि जो पॉपुलर है और लोगों को अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले आप शुरुआत जो करेंगे वो एक देशभक्ति के गाने के साथ करेंगे। दूसरा जो पार्ट आता है वो बॉडी पार्ट आता है कि आप जो अपनी स्पीच का बीच का पार्ट होगा उसके अंदर क्या बताएंगे। अब ये जो बॉडी पार्ट होगा उसके अंदर हम दो चीजें बताएंगे। सबसे पहले चीज तो हम ये 26 जनवरी जो है उसके बारे में बताएंगे, और दूसरी चीज जो है वो हम हमारे कुछ थॉट्स जो है वो लोगों को बता सकते हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल भी दूंगा। तो दोस्तों, बॉडी पार्ट में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहली चीज कि आप उनको ये कह सकते हैं कि आप उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिन है, तो आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आप उनको बेस्ट विशेस दे सकते हैं। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, आप उनको ये कह सकते हैं। तो हम ऐसे कहेंगे कि 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अब 26 जनवरी जो है वो हमारा गणतंत्र दिन है, और इसी दिन, हाँ दोस्तों, इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, इसलिए हर साल हम 26 जनवरी को धामधूम से मनाते हैं। इस तरह से अपने ब्रीफ में बताया कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। उसके बाद आप उनको ये कह सकते हैं कि जो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिन मनाते हैं, तो जो शब्द गणतंत्र आता है वो ज्यादातर लोगों को उसका अर्थ पता नहीं होता है, तो आप ये जो चीज है वो नई अपनी स्पीच के अंदर ला सकते हैं। आप उनको गणतंत्र का मतलब समझा सकते हैं, आप ऐसे समझाएंगे। तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिन के तौर पर मनाते हैं। अब दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि हमारे देश के जो नागरिक है उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो देश को चलाने के लिए नेताओं को खुद चुने, इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों, आप इस तरह से गणतंत्र का अर्थ भी लोगों को समझा सकते हैं। अब इसके बाद जो चीज आती है वो आती है कि ये जो दिन होता है उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आप उनको कहेंगे कि कहां कहां लोग सेलिब्रेट करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आप इस तरह से लोगों को बता सकते हैं। 26 जनवरी को पूरा देश सेलिब्रेशन करता है। इस दिन स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर और कुछ प्राइवेट ऑफिसेस के अंदर भी छुट्टियां होती है। इस दिन को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं वो देशभक्ति के गीतों के ऊपर डांस करते हैं, कुछ बच्चे हैं वो गीत गाते हैं, ऐसे फैशन शो भी रखे जाते हैं कि जिसके अंदर हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं उनके वाक्य जो होते हैं, उनके द्वारा कही गई जो चीजें होते हैं, वो सारी चीजों को हमारे बच्चे जो है वो बोलते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो दिन होता है उस दिन फ्लैग होइस्टिंग किया जाता है और नेशनल एंथम जो होता है वो गाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर भी इसी तरह से सेलिब्रेशन होता है कि सभी एम्प्लॉइज जो होते हैं वो जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग में फ्लैग होइस्टिंग किया जाता है। तो इस तरह से 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हर एक जगह पर किया जाता है। तो दोस्तों आप सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी बता सकते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज आती है वो आती है कि लोग एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं, तो आप ये जो पॉइंट है उसे लोगों को कैसे बताएंगे? आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी के दिन हर एक व्यक्ति व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के अंदर लोगों को विश करते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हैप्पी रिपब्लिक डे, इस तरह से वो लोग हैंडशेक करते हैं। मैंने तो कई लोगों को देखा है कि जो लोग स्पेशली हमारा जो राष्ट्र ध्वज होता है, हमारा जो फ्लैग होता है, उसके 3 कलर का ड्रेस जो होता है वो डिजाइन करवाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने शर्ट के ऊपर फ्लैग जो होता है उसे रखते हैं। जो लोग 2-व्हीलर्स का यूज करते हैं या फिर 4-व्हीलर्स का यूज करते हैं वो लोग नेशनल फ्लैग जो है उसे अपने व्हीकल के ऊपर रखते हैं। इस तरह से लोग एक दूसरे को विश करते हैं। फेसबुक के ऊपर लोग फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो पोस्ट करते हैं, वो लोग जब फ्लैग होइस्टिंग कर रहे होते हैं उसे पोस्ट करते हैं, कुछ लोग नेशनल एंथम जो होता है वो पियानो में बजाते हैं और उसे पोस्ट करते हैं। इस तरह से लोग एक दूसरे को विश करने के तौर पर इन सारी एक्टिविटीज को करते हैं। तो आप इस तरह से लोगों को बता सकते हैं कि हम इस फेस्टिवल के अंदर लोगों को कैसे विश करते हैं। इसके बाद जो एक चीज आती है कि जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कि फ्रीडम फाइटर्स को याद कर सकते हैं। इस दिन हम फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। हमारे देश के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हो गए, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने देश को बचाने के लिए, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए अपना बलिदान दिया था। इसलिए हमें उनका जो बलिदान है उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये वाक्यों को आप लोगों को बता सकते हैं। और जो आखिरी में चीज आती है वो आती है कि हमारे देश के अंदर जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, वो न्यू दिल्ली के अंदर कैसे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपति नई दिल्ली के अंदर राष्ट्र ध्वज को होइस्ट करते हैं, फ्लैग होइस्टिंग करते हैं और वहां पर नेशनल एंथम भी गाया जाता है। ये जो प्रोग्राम होता है वो टेलीविजन में टेलीकास्ट भी किया जाता है और साथ में जो हमारे देश के जवान हैं वो लोग परेड भी करते हैं, बाइक से अपनी करतब भी दिखाते हैं और लोग जो होते हैं वो इन्हें देखने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं। इस तरह से आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को समराइज करना चाहूंगा कि मैंने जो आपको चीजें बताई उन चीजों को फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले आप नेशनल जो कोई भी एंथम जो है उसे या तो गा सकते हैं या फिर आप कोई देशभक्ति का गीत जो है उसे गा सकते हैं। ये सबसे पहली चीज है। उसके बाद जो बॉडी पार्ट है उसमें आप उनको ये बता सकते हैं कि ये जो 26 जनवरी है उसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उनको साथ में विशेस भी दे सकते हैं, गणतंत्र दिन का मतलब समझा सकते हैं, लोग कैसे सेलिब्रेशन करते हैं वो बता सकते हैं, लोग एक दूसरे को विश कैसे करते हैं ये बता सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ सेंटेंसेस बता सकते हैं और लास्ट में न्यू दिल्ली के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, फ्लैग होइस्टिंग किया जाता है, ये भी आप उन्हें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सीक्वेंस बता दी। अगर आप इनको अपनी स्पीच के अंदर अपनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपने जो भी चीजों को सुना है वो सारी चीजों को आप रिपीट कर पाएंगे, ताकि आप अपनी जो रिपब्लिक डे के ऊपर स्पीच देना चाहते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से दे सके। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।